हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक और न्यू बिजनेस के साथ हाजिर हूँ। आज जानकारी दे रही हूँ किड्स आइटम बिजनेस के बारे में। किड्स आइटम मतलब बच्चों के सामान के बिजनेस के बारे में। आज के समय में हर माता पिता अपने बच्चे की सुख सुविधा का ध्यान रखने लगे हैं। इसकी वजह से हर छोटे बड़े शहर में किड्स आइटम की डिमांड देखी जा रही है। यहाँ तक कि आप छोटे कस्बे में भी किड्स आइटम की शॉप खोल सकते हैं। इसके बढ़ते डिमांड को देखते हुए किड्स आइटम बिजनेस काफी मुनाफे वाला और कम लागत वाला बिजनेस है। आइए जानते हैं किड्स आइटम बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है या शोरूम जितनी जगह है तो आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। किड्स आइटम बिजनेस के लिए किसी प्राइम लोकेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखें आपकी शॉप ऐसी जगह पर हो जहां लोगों को पहुंचने में आसानी हो, कस्टमर अपने बच्चों के साथ आसानी से आपकी दुकान तक पहुंच सके। अब बात करते हैं किड्स आइटम में आप क्या क्या रख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि किड्स आइटम की काफी लंबी रेंज है। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। किड्स आइटम की शुरुआत करते हैं फर्नीचर से। जैसे घरेलू फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर होते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों के लिए भी फर्नीचर होते हैं। अपनी उम्र व शारीरिक आकार के फर्नीचर इस्तेमाल करके बच्चे को आराम और आनंद की अनुभूति होती है, जो उसके शारीरिक व मानसिक विकास में मदद करती है। आप अपने शोरूम में बच्चों के विभिन्न प्रकार के फर्नीचर रख सकते हैं। दूसरा आइटम है खिलौने का। खिलौने में आप हर तरह के खिलौने रख सकते हैं। खिलौने की भी काफी लंबी रेंज है। तीसरा आइटम है क्लॉथ का। बच्चों के कपड़ों की भी काफी लंबी रेंज है। नॉर्मल कपड़े, डिजाइनर कपड़े, सीजन के हिसाब से कपड़े आप अपने शॉप में रख सकते हैं। चौथा आइटम है स्टेशनरी का। स्टेशनरी की भी काफी लंबी रेंज है। आप स्टेशनरी में स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल, वाटर कलर, नोटबुक और भी अदर सामान आप रख सकते हैं। इसमें आप ऑडियो बुक भी शामिल कर सकते हैं। पांचवा आइटम है फूड का। फूड में आप डेयरी प्रोडक्ट, बिस्कुट, कुकीज, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट आदि रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं किड्स आइटम बिजनेस के बजट के बारे में। आपकी अपनी दुकान है तो किराया बच जाएगा। यदि किराए का है तो एक साल का किराया, कर्मचारियों का खर्चा और आइटम मिलाकर लगभग 8 से 10 लाख का खर्चा आएगा। बाकी आप शॉप का डेकोरेशन किस तरह से करवाते हैं, आइटम कितना मंगवाते हैं, उसके आधार पर बजट कम या ज्यादा भी हो सकता है। जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो अनलिमिटेड है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किड्स आइटम बिजनेस का शोरूम खोलकर आप प्रतिमाह कितना कमा रहे हैं। किड्स आइटम बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे? किड्स आइटम बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केट के आसपास शॉप खोलें। शॉप पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाएं। शुरुआत में पेपर में एड दे सकते हैं, पंपलेट बंटवा सकते हैं, नर्सरी स्कूल के आसपास बैनर या होर्डिंग लगवा सकते हैं। वहां आने जाने वाले पेरेंट्स को किड्स आइटम शॉप के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपनी दुकान में बुला सकते हैं। किड्स आइटम के बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जैसे सॉफ्ट एक्ट यानी गुमस्ता लाइसेंस, जो शॉप शुरू करने के 3 महीने के अंदर लेना जरूरी होता है। इसके अलावा GST और MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 20 लाख रुपए से अधिक इनकम होने पर GST जमा करना पड़ेगा। यदि आपको किड्स आइटम बिजनेस के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बिजनेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते एक नए बिजनेस के साथ। गुड बाय, टेक केयर।